नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्लिंग पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ कर्म पथ पर। जानेंगे क्या कह रहे हैं सितारे और क्या हो उनके अनुरूप आपका आज का कर्म पथ, क्या है पंचांग आज का, एक प्रश्न भी लूंगा किसी दर्शक का और साथ में मैं आज एक ऐसे विषय को उठाने वाला हूं जिसको सामान्य अवस्था में आप अक्सर पूछते हैं, बहुत से लोग जानते भी हैं लेकिन बहुत गहराई से नहीं जानते, क्योंकि हर जगह उसकी चर्चा होती है और सामान्य जानकारी सबको होती है लेकिन अक्सर सामान्य जानकारी के आधार पर प्रयोग नहीं करने चाहिए। चर्चा को आगे बढ़ाऊं और बात करूं राशिफल की, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं क्या है पंचांग आज का। आज 8 दिसंबर 2016 दिन गुरुवार, माह जो है वह है मार्ग शीर्ष और शुक्ल पक्ष, तिथि नवमी है और राशि यदि देखा जाए तो आज चंद्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा है, इसलिए आज मीन राशि रहने वाली है। दिशा सूल आज है दक्षिण दिशा में, इसलिए दक्षिण दिशा की यात्रा यदि बहुत आवश्यक नहीं हो तो आपको आज नहीं करनी चाहिए। अभिजित मुहूर्त रहने वाला है सुबह 11:52 से दोपहर बाद 12:33 तक और राहु काल है दोपहर बाद 1:29 से 2:46 तक दिल्ली के समयानुसार। कई बार स्थान भेद से कुछ मिनट, दो मिनट का, कहीं कहीं आधे घंटे का भी इसमें फर्क होता है, तो आपको अपने स्थान के अनुसार जो है इसको जान लेना चाहिए कि क्या एग्जैक्ट टाइम है। अब बात करेंगे आज, जैसा मैंने कहा कि मैं रंगों के ऊपर बात करने वाला हूं। देखिए रंगों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अक्सर आप देखते होंगे कि पूजा में, पाठ में हम किस रंग का प्रयोग करें, किस रंग का चंदन चढ़ाएं, किस रंग का फूल चढ़ाएं। उसके अलावा रंग किसी न किसी प्रकार से हमारे अंदर के भाव को, हमारे अंदर की ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। आप देखते होंगे कि बहुत से ऐसे रंग होते हैं जिनके प्रति हम सहज आकर्षक हो जाते हैं, आकर्षित होते हैं, बहुत अचानक उसके प्रति आकर्षण बढ़ेगा। कई रंग ऐसे होते हैं जिनको देख करके आपके अंदर झुंझलाहट बढ़ जाएगी, इरिटेशन बढ़ जाएगा, क्रोध आता है, देख करके एक बार देखेंगे और आप गर्दन हटा लेते हैं। तो यह क्यों होता है और कैसे इसको जानना चाहिए? आजकल क्या, या अगर अधिकांश में देखूं तो लोग अपनी चंद्र राशि के अनुसार रंगों का चयन करने लगे हैं और उससे भी बुरा यह होता चला जा रहा है कि नाम के आधार पर भी लोग रंगों का चयन करने लगे हैं। जबकि मैं आपको एक बात स्पष्ट बता दूं वैदिक ज्योतिष के आधार पर कि जो लग्न है वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जीवन, मृत्यु, घटना, दुर्घटना, बीमारी, शादी, विवाह, बच्चा, इन सभी जगहों पर लग्न का बहुत अधिक प्रभाव होता है। केवल कार्य, व्यापार और आर्थिक मामलों में चंद्र राशि को भी देखना अनिवार्य होता है। तो रंगों का निर्धारण या कौन सा रंग आपके लिए बहुत अधिक सहयोगी है, अनुकूल है, इसका निर्धारण भी आपको चाहिए कि आप अपने लग्न राशि के आधार पर किया करें। इसके ऊपर मैं बहुत चर्चा पहले कर चुका हूं कि लग्न राशि कौन सी होती है और आज जो मैं बताने वाला हूं वह लग्नों के आधार पर ही मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन कौन से रंग हैं जो बेहद अनुकूल होते हैं। अब उस पर और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले कुछ राशियों का हाल भी जान लेते हैं। मेष राशि वालों की यदि आज मैं बात करूं तो आर्थिक स्थिति में कुछ बदलाव की संभावना दिखाई पड़ रही है। खर्च और तनाव दोनों आज बढ़ सकते हैं। दूर के संबंधों से आपको लाभ मिलेगा। मित्रों या सहयोगियों के साथ कुछ वाद विवाद या मतभेद संभावित है। वृषभ वालों की यदि मैं बात करूं तो कार्य व्यापार से संबंधित आज कोई यात्रा आपके लिए हो सकती है। उच्च अधिकारियों से लाभ और सहयोग मिलेगा। नए कार्यों को सीखने का मौका भी आज मिल सकता है। प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बेहतर है। मिथुन वालों की यदि मैं आज बात करूं तो कुछ अधूरे कार्य आज आप पूरे करेंगे। कोई भी जोखिम भरा निर्णय लेने से आज आपको बचना चाहिए। जिनके स्वास्थ्य में कुछ समस्या चल रही थी उनके लिए कुछ सुधार अब होगा, सुधार, सेहत में कुछ सुधार का योग बन रहा है। विद्यार्थियों को अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है। कर्क वालों की बात यदि मैं करूं तो दिन आपके पक्ष में है। आज धन की प्राप्ति होगी और बहुत से लोग पुराने कर्जों से मुक्त हो सकते हैं, कर्जों से छुटकारा मिल सकता है आपके लिए। आपके द्वारा लिए गए निर्णय आपको फायदा दिलाएंगे, लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि किसी को उधार में पैसा ना दें। मदद करनी हो तो आप जितना बर्दाश्त कर सकते हो उतना ही आप मदद करें आर्थिक मामलों में, कर्ज के रूप में ना दें, क्योंकि उसके वापस लौटने की संभावना थोड़ी कम होगी। अब जैसा मैं कह रहा था कि
बताऊंगा कि किसके लिए कौन से रंग अधिक अनुकूल होते हैं। सबसे पहले मेष लग्न वालों की बात करते हैं। मेष लग्न वालों के लिए यदि देखा जाए तो आपके लिए जो अनुकूल रंग हैं, सामान्य स्थिति में आपको हमेशा प्रयोग करना चाहिए कार्य में, व्यापार में, पहनने में, अपने कमरे में, वह रंग है लाल रंग, पीला रंग, नारंगी, सफेद और गुलाबी रंग। ये अनुकूल रंग आपके लिए होते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखा करिए, यदि मंगल बहुत मजबूत हो और क्रोध आने की समस्या हो तो आप गहरे लाल रंग का प्रयोग ना किया करें, क्योंकि वैसे तो यह अनुकूल है लेकिन यह आपकी उत्तेजना को बढ़ा देगा और क्रोध की अधिकता लाएगा। तो आपको चाहिए कि गहरे लाल के बजाय हल्के लाल रंग का प्रयोग आप किया करें। वृषभ वालों की बात करूं तो आपके लिए जो अनुकूल रंग हैं वे हैं हरा, सफेद रंग, मिले जुले रंग, मल्टीपल कलर के रंग, नीला, स्लेटी कलर का रंग, काला, आसमानी नीला, जामुनी, ये सब रंग जो है आपके लिए अनुकूल होते हैं। अब देखिए मैं क्यों ये बात कह रहा था कि हम जो आपको रंगों का चयन जो है वह लग्न के आधार पर करना चाहिए, क्योंकि कई बार बड़ी विरोधी स्थिति होती है। जैसे मान लीजिए वृषभ लग्न है और मीन राशि है या धनु राशि है, तो एकदम से विपरीत हो जाता है आपके लिए। अब राशि के आधार पर यदि देखा जाए तो आपको जो रंग अनुकूल होंगे वे लग्न के आधार पर बिल्कुल प्रतिकूल हो जाते हैं। तो आप लग्न को मुख्य माना करिए, और यदि बिल्कुल विपरीत या विरोधाभासी लग्न और राशि हो तो एक सलाह और दूंगा कि आपको चाहिए कि आप किसी भी गहरे रंग का प्रयोग ना करें, बल्कि आप हरे रंगों का, हल्के रंगों का आप प्रयोग करें, गहरे रंग का प्रयोग आप ना किया करें, उसे बचा करें। अब मिथुन वालों के लिए देख लेते हैं। मिथुन वालों की यदि मैं बात करूं तो आपके लिए भी हरा रंग, सफेद रंग, मिश्रित रंग, नीला, स्लेटी काला, आसमानी, जामुनी, बैगनी कलर, ये सब जो रंग हैं आपके लिए बेहद अनुकूल होते हैं। तो कोई विशेष अवसर हो, शिक्षा प्रतियोगिता में जा रहे हों, किसी महत्वपूर्ण कार्य से जा रहे हों, तो इन रंगों का यदि आप प्रयोग करते हैं तो यह आपके प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुकूल होंगे और आपके लिए सहयोगी होंगे। अब कर्क वालों की बात कर लेते हैं। कर्क वालों के लिए देखा जाए तो आपके लिए लाल रंग, पीला रंग, नारंगी रंग, सफेद रंग और गुलाबी रंग, ये सभी रंग आपके लिए बहुत सहयोगी होते हैं, और इनको यदि आप प्रयोग करें तो आपके लिए बहुत लाभ रहेगा और आपको यह उत्थान देने वाला होगा। अब समय हो चुका है कि आज का प्रश्न ले लिया जाए, और यह प्रश्न चुना है मैंने। शंकर कुमार हैं, ये बनारस से हैं, और ये लिखते हैं कि उम्र बहुत अधिक हो रही है धीरे धीरे, और ना ही अभी तक विवाह हुआ और ना ही नौकरी लग रही है। गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ लेकिन उसमें बार बार असफलता मिलती है, और कई बार ऐसा लगता है कि अब हो जाएगा लेकिन हो नहीं रहा है। दोनों ही काम मेरा अटक रहा है, होते होते नहीं हो रहा है, क्या कारण है, मार्गदर्शन करें। देखिए शंकर जी, यदि देखा जाए तो जो आपकी कुंडली है, जो आपने अपना विवरण भेजा हुआ है, उसके अनुसार आपकी कुंडली हमारे स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं, और यह बन रही है सिंह लग्न की आपकी कुंडली बन रही है और कुंभ राशि की कुंडली बन रही है। अब इसमें जो ग्रहों की स्थितियां हैं उसको देखना होगा। जो विवाह में विलंब हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारक है बृहस्पति, आपके लिए पंचमेश भी है और अष्टमेश भी है, और यह वक्री है। वक्री होने के कारण सप्तम भाव पर यदि कोई भी वक्री ग्रह बैठ जाए तो विवाह में अक्सर विलंब होता है, और वो भी बृहस्पति या शनि जैसा कोई भारी ग्रह बैठा हो फिर तो अधिक विलंब होता है। तो आपकी कुंडली में एक तो बृहस्पति देव बैठे हुए हैं, वो भी वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं, इस कारण आपके विवाह में अधिक विलंब हो रहा है। नौकरी की भी यदि मैं बात करूं तो इस समय शनि की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है, और दोनों ही जो ग्रह हैं वह आपके लग्न के लिए बेहद प्रतिकूल ग्रह हैं। शनि दोस्त करीब 2.5 साल से आपके चतुर्थ भाव में बैठा है जिसकी सीधी दृष्टि दशम भाव पर है, और यह नौकरी जल्दी नहीं लगने देगा। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी दोनों समस्याएं, विवाह की भी और नौकरी की भी, 2017 में समाप्त हो जाएंगी फरवरी मार्च के बाद। एक चीज आप ध्यान रखें, थोड़ा बृहस्पति से संबंधित उपाय कर लें, कुछ बृहस्पति संबंधी दान, बृहस्पति के लिए जो है फलदार वृक्षों की सेवा, धर्मस्थल पर थोड़ा सेवा आप दिया करें, अपना जा करके थोड़ा समय दिया करें, और किसी गरीब बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे की भी थोड़ी मदद किया करें बृहस्पतिवार को विशेष करके, तो इससे बृहस्पति प्रसन्न होंगे और आपके कार्य जो है वह जो रुके हुए हैं वह बनने लगेंगे। सूर्य की उपासना भी कैरियर और नौकरी के लिए बहुत सहयोगी होगा आपके लिए, तो ये आप करिए। 2017 मुझे लगता है कि आपका है।
चर्चा अभी और करूंगा, बताऊंगा कि कौन से रंग आपके लिए हैं सहयोगी, लेकिन जान लेते हैं सिंह से लेकर वृश्चिक राशि वालों का हाल। सिंह वालों की यदि मैं बात करूं तो आपके लिए आज का दिन बहुत ऊर्जा से भरा हुआ है। पारिवारिक लोगों के सहयोग से खुशनुमा माहौल रहेगा, अधूरे कार्य कुछ पूरे होंगे, लेकिन बहुत अधिक उत्तेजना में आप अपने वाणी को नियंत्रण रखें, संयम ना खोएं। कन्या वालों की बात करूं तो आज भाग्य का साथ बना रहेगा आपके लिए, रुका हुआ धन कुछ लोगों को प्राप्त हो सकता है। आपको चाहिए कि आप अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखें, तभी आपको सफलता मिलेगी। तुला वालों की यदि बात करूं तो मान सम्मान पाने का आज दिन है। सहयोगियों के साथ और प्रोत्साहन से आपके कुछ रुके हुए कार्य पूरे होंगे। नए कार्य का आरंभ यदि आप करना चाहते हैं तो थोड़ा सोच विचार कर लें। आप आर्थिक निवेश करने की सोच रहे हों तो पहले थोड़े घरेलू जिम्मेदारियों को भी पूरा करें, फिर आप निवेश करें। वृश्चिक वालों की यदि मैं बात करूं तो आज अचानक धन हानि का योग बन रहा है, तो थोड़ा सोच समझकर फैसले आपको लेने हैं। जोखिम भरे कार्य करने से आपको बचना है। साझेदारी से लाभ की संभावना आज अच्छी है। विद्यार्थियों को चाहिए कि आप अपनी ऊर्जा और समय को सही दिशा में लगाएं। जानेंगे कि आगे की लग्नों के लिए कौन से रंग होते हैं बहुत सहयोगी और बाकी की राशियों का हाल भी, लेकिन समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आप सभी का कर्म पथ पर, और जानते हैं आगे की राशियों के लिए, राशि बल्कि नहीं उसको लग्न राशि कहा जाए, लग्न राशि वालों के लिए कौन कौन से रंग होते हैं सहयोगी। सिंह लग्न वालों की यदि मैं बात करूं तो आपके लिए लाल रंग, पीला रंग, हरा रंग, नारंगी रंग, सफेद रंग और गुलाबी रंग, ये रंग आपके लिए बेहद अनुकूल होते हैं। एक चीज का ध्यान रखें कि यदि सूर्य आपका छठें या आठवें भाव में गया हुआ हो तो आप हल्के लाल रंग का प्रयोग किया करें, गहरे लाल रंग का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी रंग जो है वह हमेशा आपके लिए सहयोगी बने रहेंगे। कन्या वालों की यदि मैं बात करूं तो आपके लिए हरा रंग, नीला रंग, काला रंग, बैंगनी रंग और सफेद रंग, ये रंग आपके लिए अनुकूल होते हैं। तो आप कहीं भी जाएं किसी महत्वपूर्ण कार्य में तो इन रंगों का प्रयोग करें। शयन कक्ष में इन रंगों का प्रयोग कर सकते हैं, या अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं, छात्र हैं, शिक्षार्थी हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने आपका जो कमरा है पढ़ने का उसमें इन रंगों का प्रयोग आप कर सकते हैं। लेकिन शयन कक्ष में और अध्ययन कक्ष में आपको चाहिए कि आप हल्के रंगों का प्रयोग किया करें, बहुत गाढ़े रंगों का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं तुला वालों के लिए। तुला वालों के लिए जो सबसे अधिक सहयोगी रंग है वह रंग है सफेद रंग। तो आपको चाहिए कि सफेद रंग आप हमेशा प्रयोग किया करें, बहुत लाभकारी रहेगा आपके लिए। उसके अलावा जो आपके लिए सहयोगी रंग है वह है हरा रंग, मिश्रित रंग, नीला रंग भी आपके लिए बहुत सहयोगी होता है, और काला रंग भी आपके लिए बहुत अनुकूल है, और यह आपके लिए उत्थान परक होता है, तो इसका प्रयोग आपको करना चाहिए। वृश्चिक वालों की यदि मैं बात करूं तो आपके लिए लाल, पीला, नारंगी और गुलाबी रंग, ये रंग आपके लिए बहुत सहयोगी होते हैं। लेकिन एक बात और बता दूं पुनः, जैसे मैं इसके लिए कहा था, यदि क्रोध बहुत आता हो, मंगल बहुत मजबूत हो, तो गहरे लाल रंग से परहेज किया करिए, क्योंकि यह घटना दुर्घटना भी देता है, अक्सर आपको चोट लग सकती है, तो बहुत गहरे लाल रंग की तरफ आपको आकर्षित नहीं होना है, और हल्के लाल रंग का आप प्रयोग किया करिए, उससे घटना दुर्घटना से आप बचेंगे और क्रोध भी आपको कम आएगा। अब और भी बात करेंगे, लेकिन बची हुई राशियों का हाल भी जान लेते हैं। धनु वालों की यदि मैं बात करूं तो शिक्षार्थियों के लिए आज का दिन बहुत शुभ है, आपको बहुत अच्छे परिणाम आज मिल सकते हैं। बाकी लोगों के लिए देखा जाए तो अनावश्यक तनाव से आपको बचना चाहिए, और यदि हृदय से संबंधित कोई रोग है तो आपको बेहद सावधानी रखनी है। आर्थिक मामलों में आज का दिन सामान्य रहने वाला है, माँ के स्वास्थ्य का थोड़ा आज आपको ध्यान रखना है। मकर वालों की बात करूं तो नकारात्मक विचारों से आज आपका मन कुछ परेशान हो सकता है। भाइयों और करीबी मित्रों के असहयोग के कारण कुछ मन अशांत हो सकता है। जीवन साथी से सहयोग आपको मिलेगा, लेकिन बड़े निवेश से आज आपको बचना होगा। कुंभ वालों की यदि मैं बात करूं तो आज पुरानी देनदारी के कारण कुछ तात्कालिक परेशानी आपको हो सकती है। प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बहुत बेहतर है।
कुछ फिजूल खर्ची भी हो सकती है, अनावश्यक का धन खर्च हो सकता है, स्वास्थ्य को लेकर भी आपको थोड़ा सावधान रहना है। मीन वालों के लिए देखा जाए तो भाई आज बड़ा जोश से भरा हुआ दिन रहेगा, बहुत ऊर्जा आज बहुत अधिक रहने वाली है आपके अंदर। मित्रों के साथ आपका समय बीतेगा, प्रेम के मामले में आज भाग्यशाली रहेंगे, और जो लोग अविवाहित हैं या विवाह के योग्य हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आने की भी आज प्रबल संभावना बन रही है। अब जो बाकी की लग्नें बची हुई हैं धनु से लेकर मीन तक, जानते हैं कि उनके लिए कौन कौन से रंग बेहद सहयोगी होते हैं और इन रंगों का प्रयोग आपको सामान्य परिस्थिति में करना चाहिए। धनु वालों की यदि मैं बात करूं तो आपके लिए जो सहयोगी रंग है वह है लाल, पीला, नारंगी और गुलाबी रंग। लेकिन अब आपको ध्यान क्या रखना है, कोई भी देखेगा धनु लग्न है पीला रंग आपको बता देगा क्योंकि बृहस्पति का रंग होता है, पहन लीजिए। लेकिन यदि बृहस्पति आपके छठे भाव में है या अष्टम भाव में है तो भूल कर भी गहरे पीले रंग का प्रयोग ना करें, अन्यथा यह स्वास्थ्य से संबंधित समस्या को बढ़ा देगा। तो यदि स्वास्थ्य से संबंधित समस्या नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं, तभी गहरे पीले रंग का आपको प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा गहरे पीले रंग से आप बचें। यदि बृहस्पति की स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं है तो भले ही आपकी धनु लग्न हो लेकिन इससे आप बचें। यह सामान्य जानकारी अक्सर आपको अधिकांश जगहों पर नहीं मिलती है और इसी कारण आप बहुत सी चीजों का प्रयोग करते हैं लेकिन उसमें आपको परेशानी उठानी पड़ती है सही रहते हुए भी। अब बात करते हैं मकर वालों के लिए। मकर वालों के लिए देखा जाए तो हरा रंग, सफेद रंग, नीला रंग, काला रंग, आसमानी नीला और बैगनी रंग, ये रंग आपके लिए बेहद सहयोगी होते हैं। लेकिन पुनः कहूंगा, कोई भी लग्न हो, यह आप एक सूत्र बना लीजिए, इसको जान लीजिए, कोई भी लग्न हो सामान्यता उसके संबंधित जो उससे संबंधित ग्रह है उसका रंग आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक बार यह भी जान लें कि कहीं वह कोई भंग योग तो नहीं बना रहा, छठे आठवें भाव में, विशेष करके छठे आठवें भाव में तो नहीं है या वक्री नहीं है। यदि ये तीनों स्थितियां नहीं है तब तो आप रंगों का खुल के प्रयोग किया करिए, अन्यथा उससे संबंधित जो रंग हो उसमें हल्के रंग का प्रयोग करिए। जैसे मकर लग्न है तो बहुत गहरे नीले रंग का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए अगर शनि छठे आठवें में बैठा है या वक्री है तो, बल्कि हल्के नीले रंग का प्रयोग आप करेंगे तो आपको लाभ भी मिलेगा और नुकसान भी नहीं होगा। कुंभ वालों की यदि मैं बात करूं तो आपके लिए हरा रंग, सफेद रंग, नीला रंग, काला रंग, आसमानी नीला रंग और बैगनी कलर का रंग आपके लिए बेहद सहयोगी होता है। और अंत में मीन वालों के लिए भी जान लेते हैं। आपके लिए लाल, भूरा, पीला, नारंगी, सफेद और गुलाबी रंग, ये रंग आपके लिए बेहद अनुकूल होते हैं और आपको इनका प्रयोग अपने महत्वपूर्ण अवसरों पर करना चाहिए। तो यह थी जानकारी आज रंगों को लेकर, और इनका प्रयोग यदि आप करते हैं तो आप ऊर्जावान भी रहेंगे और अपने काम में सफल भी बने रहेंगे। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। पुनः मुलाकात होगी सुबह 7:30 बजे कर्म पथ पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, ओम नमः शिवाय।